स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिल्मी सीक्रेट मूवी रिव्यू चैनल में। तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता है कि रनवे 34 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों अभी मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 के बारे में। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला हर एक रिव्यू वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में दो मूवी रिलीज हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है टाइगर श्रॉफ का हीरोपंती 2 मूवी और बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वाले अजय देवगन की खुद डायरेक्ट की हुई मूवी रनवे 34। जैसा कि दोस्तों अब देखा जाए कि टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 और रनवे 34 कौन किस पे भारी पड़ता है, तो उसके लिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों रनवे 34 की असली कहानी को दर्शाता है। अधिकांश फिल्में एक रियल कहानी पर बनाई जा रही है, जैसे कि ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसे कि ट्रिपल आर जो कि भारत के दो महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से केजीएफ चैप्टर में सोने की खान के ऊपर बताया गया, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अजय देवगन की डायरेक्ट से बनी हुई फिल्म जो कि फ्लाइट में बचाए गए 150 यात्रियों की जान को जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत दोस्तों 18 अगस्त 2015 को जब एडवरवेज की फ्लाइट 9W555 दोहा से कोची के लिए उड़ान भरती है और इस विमान में 141 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे जो कि सभी अपनी मंजिल के लिए उड़ान भरी थी। सभी यात्री बहुत खुश थे, हवा में थे, एंजॉय कर रहे थे। उस पल में सभी लोग अपनी मंजिल में भी जाने के लिए बहुत ही खुश थे, लेकिन मौसम भैया को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से मौसम बहुत ही ख़राब हो जाता है और सभी यात्रियों का सांसें थम जाता है। सभी यात्री सोचने लगते हैं कि शायद अब बचना उनका मुश्किल है। ऐसा माने तो मौसम साफ साफ इशारा कर रहा था कि हवा से यात्रियों को धरती में जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उन्हें यमराज से मिलाया जाएगा। लेकिन यात्री और मौसम के बीच में अजय देवगन यानी कि पायलट भैया खड़ा थे जिन्हें सभी यात्रियों को सुरक्षित हवा से धरती तक ले जाना था। इस मूवी में अमिताभ बच्चन झूठ की दुनिया से सच्चाई को बाहर निकालने का काम करते हैं। अमिताभ बच्चन का ढेर सारा सवाल रहता है, जैसे कि क्यों, कब, कैसे हवाई जहाज के टुकड़े होने के बावजूद भी यात्रियों को धरती तक लाया जा सका। बाकी दोस्तों और भी जानने के लिए अगर ये सवाल जवाब अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको मूवी को देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो अजय देवगन को सभी लोग एक्शन और कॉमेडी में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस मूवी में इनका जो रोल है वो बहुत ही अलग अंदाज में है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस मूवी को खुद अजय देवगन ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और अजय देवगन ने स्टोरी को बहुत अच्छे ढंग से बताया है। बस मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि यह मूवी देखने लायक है, हीरोपंती 2 मूवी से तो बहुत अच्छा है। अजय देवगन का इस मूवी को देखने से आपका समय और आपका पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। मैं दोस्तों इस मूवी को 4 स्टार देना चाहूँगा। दोस्तों मूवी का रिव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं और आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।